हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो वेलकम टू माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी दैट इज़ एच की सो so, आपको पता है इनकी तरफ से डायरेक्ट पीएचडी एडमिशंस के लिए फॉर्म आए हुए थे जिसके लिए आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया होगा उसी से रिलेटेड अपडेट्स हैं सो एक्चुअली आई थॉट कि शायद आपने विजिट किया और चैनल पर इसीलिए फिर मैंने सेपरेटली वीडियो नहीं बनाई बिकॉज सेपरेट आई मीन डिपार्टमेंट वाइज ये जो अपडेट uh, है या नोटिफिकेशन है वो आ रहा है सो so, हम कितने वीडियोज़ बनाते है? इसीलिए नहीं बनाई बट रिसेंटली मुझे एक ऐसा कमेंट रिसीव हुआ इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो देन आई कि एटलीस्ट एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से काउंसलिंग या हो चुकी है या जो भी डेट्स है वो एंड फर्दर जो आगे डिपार्टमेंट्स आएंगे उनके लिए आप प्लीज विजिट करते रहिएगा वेबसाइट पर राइट वेबसाइट सेम है एचपी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चेक कर लीजिएगा लिंक्स नहीं सिर्फ एक यही पेज है उसके बाद हम अभी नोटिस का एक पेज देखेंगे सो दोनों ही पेजेस वेब पेजेस के लिंक डिस्क्रिप्ट में है चेक कर लीजिएगा राइट एंड ये तो देखिए सबसे पहले जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ नोटिस का सेक्शन है या फिर रिसेंट न्यूज का सेक्शन है आपको दिख रहा है इसमें व्यू ऑल न्यूज का ये ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे सो तो ये है पेज जिसके बारे में बोला मैंने सो तो यहाँ पे सारी अपडेट्स होती है इस पर स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट वाली अपडेट देखिए पीएचडी कंप्यूटर साइंस डायरेक्ट काउंसलिंग सिक्सटीन ऑफ सितंबर 2021 एलैंथ ऑफ सेप्टेम्बर को ही आया हुआ है ये नोटिस एंड हम इसी से स्टार्ट करेंगे बेसिकली लेटेस्ट से ओके okay? और भी हैं हम उसे भी देखेंगे बट ये लेटेस्ट है उसी को देखते हैं सबसे पहले सो so ये जो लिंक दी हुई है इससे पी डाउनलोड होगा तो चलिए इसे पहले डाउनलोड करते हैं और देखते हैं सो so येस yes, ये है नोटिस रिवाइज्ड नोटिस है जो कि सीएस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है चेयरमैन का ईमेल आपको दिख रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग सभी आपको डिपार्टमेंट्स में ऐसा दिखेगा नोटिस में आप इसे चेक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट एडमिशन नोटिस डेटेड सो एंड सो सो नोटिस का ये नंबर एंड ऑल है सो so इसी के लिए अपडेट आया है काउंसलिंग का ये लेटर है नोटिस है ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट सो इसमें स्पेसिफिकली कोई लिस्ट नहीं है कुछ डिपार्टमेंट में मैंने देखा है लिस्ट भी दी हुई है यहां पे लिस्ट नहीं है ओके सो so, सारे ही जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है जिन्होंने अप्लाई किया है पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन सीएस के लिए उन्हें अपेयर होना है सिक्सटीन ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी को कैंपस में राइट ऑफिस ऑफ चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ़ सी एस एच पी यू शिमला आपको जाना है और अच्छी जगह जाइए शिमला एंड एनी वेज सो सिक्सटीन ऑफ सेप्टेम्बर को रिपोर्ट करना है आपको दस से एक बजे के बीच में और आपको एक सेट कॉपीज़ लेके जानी है इन सभी की साथ में औरिजिनल भी होगा येस yes, बट ये कॉपीज़ भी होंगी एक सेट सो आई थिंक या तो आप सेल्फ अटेस्टेड पैरेस से करके जाइए ओके okay? अदरवाइज दो सेट लेके जा सकते हैं आप एक सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा एक वहां पे यू you नो know, अगर नहीं सेल्फ अटेस्ट मांगी गई तो उसे सबमिट कर दीजिएगा या जो भी आप प्रिफर करें बट हाँ आपको कॉपीज ले जानी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है सो आपको बहुत बार आई I मीन mean, हर ही वीडियो में मैंने बोला है कि इसको सेव करेगा आई होप आपने किया होगा सो so, ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑरिजिनल और उसकी कॉपी आई मीन प्रिंट करेंगे तो वो कॉपी हुआ बट दो कॉपीज रख लीजिएगा राइट देन मैट्रिक सर्टिफिकेट मतलब क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स उसके बाद है फेलोशिप है अगर फेलोशिप मिलेगी तो उसका सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एन और बाकी ये वाला सर्टिफिकेट ओके okay? साथ में ओरिजिनल्स होंगे एंड जैसे यहाँ मार्कशीट्स नहीं लिखा हुआ है बट ज़रूरी भी नहीं है बट अगर आप चाहें तो उसे रख सकते हैं बिकॉज़ अगर मांग लिया गया तो वैसे लिखा नहीं है तो नहीं मांगा जाएगा एनी वे सो ये था नोटिस सी एस से रिलेटेड सिक्सटीन सिक्सटीन और सेप्टेम्बर को करना है आपको रिपोर्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट डिपार्टमेंट बेसिकली सो so, यहीं से आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं यहाँ पे देखिए और स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पीएचडी का नोटिस दिखेगा हियर यू कैन सी फॉर बॉटनी एंड जुलॉजी टेंथ सितंबर को ये आया था एलेवंथ नंबर पे है अभी सो नोटिस फॉर पीएचडी काउंसलिंग फॉर बॉटनी जुलॉजी चलिए इसे भी ओपन करके ब्रीफली देख लेते हैं सो येस ये है नोटिस पी एच डी काउंसलिंग का बॉटनी एंड डिपार्टमेंट सॉरी बॉटनी एंड जोलॉजी के लिए विदाउट एंट्रेंस टेस्ट कब होगा ये है फिफ्टीन ऑफ सेप्टेम्बर को दस बजे से राइट आपको इस डिपार्टमेंट में विजिट करना है एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है चेयरपर्सन के पास जाना है चेयरपर्सन रूम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एच पी यू शिमला राइट जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जे आर एफ या राजीव गांधी फेलोशिप है या मौलाना आज़ाद फेलोशिप कोई भी ऐसी फेलोशिप है और बाकी ये क्राइटेरिया आपको पता ही होगा जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें अपियर होना है कमेटी के सामने काउंसलिंग के लिए सो आई थिंक इंटरव्यूज येस नहीं होने हैं डायरेक्ट ही एडमिशन होना है एंड आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देखें यहाँ लिखा भी हुआ है वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ़ द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन प्रिंट आउट एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सो ये आप हर डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के हो ये आपको लेकर ही जाना है ओके okay? ये सब आपको प्रोड्यूस करना है एडमिशन कमेटी के सामने ओके सो यस यही एक अपडेट है आई I मीन mean, लिस्ट नहीं अवेलेबल है सभी लोगों ने जिन्होंने भी जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया आप सबको जाना है उसके बाद सेवनटीन नंबर पे है अभी डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िज़िक्स का नोटिस देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जोग्राफी का नोटिस है नंबर नाइनटीन पे एंड यस yes, ये पेज नंबर वन पे ट्वेंटी है नोटिफिकेशन तो so, आप इसको ओपन कर लीजिएगा डेट्स को देख लीजिएगा हम अब डायरेक्टली सिर्फ देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जिनकी तरफ से नोटिस आया है एंड आई थिंक एक दो डिपार्टमेंट की काउंसलिंग हो भी चुकी है सो so, चलिए देख लेते हैं पेज नंबर टू ओपन करते हैं हम सो so, इसमें जब आप स्क्रॉल करेंगे सो so, सबसे पहले तो डिप्लोमा बाकी चीज़ें हैं काउंसलिंग नोटिस है उसके बाद फॉर पी एच डी इन विजुअल आर्ट्स राइट उसके बाद और स्क्रॉल करिएगा डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी का फिर से नोटिस है सो so, अच्छा एक बार ओपन कर लेते एक नोटिस क्योंकि जिसमें हमने देखा था कि दे, स्टूडेंट्स का नाम भी है उसे एक बार ओपन कर लेते हैं सो so, ये देखिए इसीलिए मैंने जोग्रफी का ओपन किया बिकॉज अभी देखा था बट जोग्राफी का दो नोटिस है तो देख लीजिएगा हो सकता है वो रिवाइज नोटिस हो राइट right? सो so, uh, यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दो सीट्स थे डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया है इन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जो कि थर्टीन सेप्टेम्बर को होनी है ओके सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज़ ले जानी सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा बट हाँ आपको एक सेट ले जाना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल भी रहेगा साथ में और यहाँ पे प्रॉपर कैंडिडेट्स के नाम भी रजिस्ट्रेशन भी इन्हीं को जाना है, सबको नहीं, इसीलिए कर लीजिएगा, अगर आया हुआ है किसी भी का, का, का किसी भी भी उसे देख लीजिएगा, पे है, उसके बाद और करेंगे हम एंड इज इट सेकेंड पेज पे बस यही है सो इसी तरह बहुत अच्छे से चेक करिएगा मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा ये देखिए हिस्ट्री के लिए नोटिस सेवन सेप्टेम्बर को ही आया था उसके बाद यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे सो और अगर मैंने भी कुछ मिस कर दिया हो तो आप उसे भी देख लीजिएगा ओके एंड यस yes, तो उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो अब डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं जो भी लिस्ट हो सो इसमें आई थिंक सिर्फ एक ही है अब हम एक बार आई थिंक दैट इज़ इट बिकॉज थर्टी ऑफ अगस्त तक तो फॉर्म्स ही थे सो उसके बाद ही लिस्ट आनी शुरू हुई है सो so, यहीं से आपने देखा सो दैट इज़ इट आई थिंक ये अपडेट काफ़ी है आप एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसका नोटिस आया है या नहीं एंड हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक और भी नोटिस आ जाए सो येस वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा रेगुलरली एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता है कि लिस्ट आ रही है सो यू नो मिस नहीं होनी चाहिए अपडेट सो दैट इज इट ये थी आज की अपडेट और ये था आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल दैट इज इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग